बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ इंजीनियर फरोग अली शाह और आज हमारा इंट्रोडक्शन टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है, लेक्चर 11। लेक्चर 10 के अंदर हमारा जो कोर्स कंटेंट था सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो चुका था और हमने डिस्कस किया था कि लेक्चर 11 के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल्स शुरू करेंगे। हमारे प्रैक्टिकल्स के दो लेक्चर होंगे और इन दो लेक्चर्स के अंदर हम टोटल 6 प्रैक्टिकल्स को कवर करेंगे। तो हमारे जो पहले तीन प्रैक्टिकल्स हैं वो हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले तो डिटर्मिन करना है हमने वेवलेंथ को, लाइट की वेवलेंथ को यूजिंग डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और जो दूसरा हमारा होगा वो होगा डिटर्मिन द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हम लोगों ने फाइंड करना है बाय इलेक्ट्रिक मेथड। और तीसरा जो है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा है टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल, थर्मल ईएमएफ एंड टेम्परेचर डायग्राम। थर्मोकपल जो है वो लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग काफ़ी डिटेल से कवर कर चुके थे और आज हम उसका एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये लिंक्स हैं, इन लिंक्स की मदद से आप लोग इन तीनों प्रैक्टिकल्स को करेंगे। अब वन बाय वन जो है हम लोग इनको करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट विद अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। थ्योरेटिकल डिस्कशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि द डाइफ्रैक्शन ऑफ क्लासिकल वेव्स रेफर टू द फिनोमेना वेयर इन द वेव्स इनकाउंटर एंड ऑब्स्टेकल दैट फ्रेगमेंट द वेव इंटू कंपोनेंट्स दैट इंटरफेयर विद वन अनदर। तो बेसिकली डाइफ्रैक्शन जो है वो क्या फिनोमेना होता है, वो वेव्स का वो फिनोमेना होता है कि जब वो किसी भी ऑब्स्टेकल के साथ इन कॉन्टैक्ट आती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। इंटरफेरेंस सिंपली मींस दैट द वेव फ्रंट एड टुगेदर टू मेक अ न्यू वेव विच कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन द अदर वेव। तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वेव फ्रंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, सबसे पहले तो किसी चीज़ के साथ टकराई और डिवाइड हो गई, उसके बाद आपस में मिली और उन्होंने एक न्यू वेव को जनरेट किया जो सिग्निफिकेंटली ओरिजिनल वेव से चेंज होगी। फॉर एग्जांपल, अ पेयर ऑफ साइन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड बट बीइंग 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विल सम टू जीरो। अभी हम लोगों को पता है कि अगर पेयर है साइन वेव्स का और सेम एम्पलीट्यूड है जबकि 180 डिग्री के एंगल पर वो है, लाइक टू वेव्स हैं, अगर एक वेव अबव की तरफ है और सेम एम्पलीट्यूड है और दूसरी वेव डाउनवर्ड की तरफ उसका डायरेक्शन है, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा तो 180 डिग्री एंगल पर होंगी तो अल्टीमेटली अपने इफेक्ट को जीरो कर देंगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। सिंस एवरी वेयर वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव बाय एन इक्वल अमाउंट। तो मतलब ये है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास जो सम आता है वो जीरो आता है। ऑल्दो द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव ostensibly appears the same as the diffraction of classical waves such as water or sound waves. तो basically यहाँ पर क्या की बात की जा रही है कि जो light waves की diffraction होती है वो भी normal waves की तरह ही होती है, जिस तरह water या sound waves। अच्छा जी, indeed while the diffraction pattern of a wave of water requires the simultaneous presence of macroscopic number of water molecules of the order of 10^24 and optical direction pattern can be built up over time by permitting photons. तो ये सारी जो है ना एग्जाम्पल आपको मतलब डिटेल दी हुई है तो आप लोग ये खुद पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे जाके हम लोग डायरेक्टली फार्मूला की तरफ जाते हैं, फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा वो यूज़ हो रहा होगा d sin theta is equal to m lambda, where d जो है d is the adjacent distance between adjacent slits which is the same as the between the adjacent wires. तो यहाँ पर basically आपको क्या नज़र आ रहा है कि d जो है वो distance है between two waves, ये देखें आप, ये distance है d, और theta जो है वो angle है recreated, theta जो है वो angle हो जाएगा जो recreate होगा, लाइक ये फिलहाल तो बिल्कुल सीधी आ रही है, जब obstacle के साथ टकराई और change हो गया इनका direction तो ये जो थीटा जो है ये इमर्ज हुआ न्यू, ये थीटा कहलाएगा। और लैम्डा जो है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है और एम जो है वो इंटीजर है 0, 1, 2, 3।
तो फिगर हमें क्या शो करवा रही है, फिगर हमें शो करवा रही है ज्योमेट्री डिटर्मिनिंग द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ मल्टीवेव ग्रेटिंग। अच्छा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ कलर्स, इन जनरल इट गिव्स बेटर वेवलेंथ सेपरेशन देन डज अ प्रिज्म। तो बेसिकली क्या बात हो रही है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये बेटर हमें देती है वेवलेंथ से मुराद डिफरेंट कलर्स हैं, लाइट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में जब डिवाइड होगी तो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड होगी। तो प्रिज्म के अंदर भी बेसिकली ये और होता है, हम लोगों ने मैट्रिक या एफएससी के प्रैक्टिकल्स में देखा था कि प्रिज्म जो है वो लाइट को डिवाइड कर रहा होता है इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स, और यू कैन से फिर वो आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं प्रिज्म के अंदर। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो प्रिज्म से भी बेटर वर्क कर रहा होता है। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि बाय शाइनिंग अ लाइट बीम इनटू अ ग्रेटिंग हूज स्पेसिंग डी इज नोन। बेसिकली डी हमें जो है वो पता है और हम एक बीम जो है लाइटिंग बीम उसके ऊपर इंसर्ट करेंगे एंड मेजरिंग द एंगल थीटा वेयर द लाइट इज इमेज्ड। और बेसिकली हम लोग वो थीटा जो है वो फाइंड कर लेंगे कि जहाँ पर वो इमेज जो है वो हमें इम्प्रिंट नज़र आई है। वन कैन मेजर द वेवलेंथ हमें फाइंड हो जाएगी विद द फॉर्मूला जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द मैनर इन विच द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वर फर्स्ट मेजर्ड। तो बेसिकली फिर आगे एग्जाम्पल दी गई है। अब हम चलते हैं फिगर टू की तरफ। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फॉर मेजरिंग वेवलेंथ विद अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसको हम लोग देखेंगे। तो फिगर टू के अंदर क्या है कि सेटअप है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सोर्सेज शाइन ऑन द ग्रेटिंग। तो बेसिकली लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर आ रही है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, इमेज जो है वो हमारे पास शो हो रही है कहाँ कहाँ पर, थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री एंड सो ऑन। ये देख रहे हैं आप कि ये डिवाइड हो चुकी है लाइट, तो थीटा वन थीटा टू एंड इसी तरह थीटा थ्री और फिर जितनी भी डिवाइडेशन होगी तो उतने ही थीटा बनते जाएंगे। द वैल्यू ऑफ थीटा एम इज गिवन बाय द ग्रेटिंग इक्वेशन शोन। तो थीटा एम का जो फॉर्मूला होगा इसको फाइंड करने के लिए वो होगा आर्क साइन एम लैम्डा ओवर डी। अब हम ये देखते हैं कि द इमेज क्रिएटेड एट थीटा एम, ये फाइ एम ए की बात है, इज कॉल्ड द एम्थ ऑर्डर इमेज। द जीरोथ ऑर्डर इमेज इज द लाइट दैट शाइन्स स्ट्रेट थ्रू। तो जो लाइन बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट चली गई, ये लाइट थी, ये आई यहाँ से, ये इंटरसेक्ट हो गई डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जो लाइट बिल्कुल सीधी गई एस वन पॉइंट के ऊपर, तो ये तो हमारी कहलाएगी जीरोथ इमेज। और बाकी जो है वो बाकी एम्थ कहलाएंगी, एम वन हो सकती है, एम टू हो सकती है, एम थ्री हो सकती है, एम फोर हो सकती है, इसी तरह सो ऑन। अच्छा जी, द इमेज क्रिएटेड बाय दिस इंटरफेरेंस पैटर्न अपेयर्स एट एन एंगल ऑफ थीटा जीरो, वो थीटा जीरो पर होगी जो जीरोथ वाली होगी। नो मैटर व्हाट द वेवलेंथ ऑफ ग्रेटिंग स्पेसिंग इज, तो वो मैटर नहीं करता कि ग्रेटिंग स्पेसिंग क्या है और वेवलेंथ क्या है। बेसिकली अब हमारा लैब में क्या हो रहा था कि इन दिस लैब वी विल बी लुकिंग एट द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन इमेजेस। तो हम जीरो जो इमेज है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे होते, हमारा बेसिकली फोकस जो है वो रहता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इमेजेस के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर हमने मेजर ऑल्सो किया है विजिबल वेवलेंथ रेंज बाय शाइनिंग एन इंसिडेंट लाइट थ्रू द ग्रेटिंग। द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दैट विल बी यूज्ड टुडे हैव 600 लाइंस सो दैट द ग्रेटिंग स्पेसेस। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने लाइट यूज़ की है वो कन्वर्ट होगी 600 लाइंस के अंदर और ग्रेटिंग स्पेस जो है वो हमारे पास मतलब बन गई डिजिकल टू 1/600 mm। दिस नंबर इज अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया एंड यू आर गोइंग टू हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर्स इफ यू वांट टू अ यूजफुल करेक्ट रिजल्ट। तो बेसिकली इस मिलीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोसीजर है, पार्ट वन है सबसे पहले। पार्ट वन के अंदर हम लोग मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ द लेजर, वो जो लेजर है जो बीम है उसकी हम लोग वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेटअप द लेजर एंड ग्रेटिंग एज शोन इन फिगर टू। फिगर टू के अंदर जो हमारे पास लेजर शो हुई है, फिगर टू के अंदर जो हमने एपरेटस सेट किया है इसी तरह एग्जैक्टली हम लोग एपरेटस को सेट कर लेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, मेजर द डिस्टेंस एल बिटवीन द मीटर स्टिक एंड द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो मीटर स्टिक जो है वो ये और फिर इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, इन तीनों के दरमियान हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे।
अच्छा जी, टर्न ऑन द लेजर एंड सेंटर द मीटर स्टिक एट द जीरोथ ऑर्डर इमेज। तो बिल्कुल स्ट्रेट हम लेज़र को रखेंगे ताकि हमारे पास जीरोथ इमेज भी आ जाए। जीरोथ इमेज आएगी तो उसके साथ साथ हमें बाकी इमेजेस भी मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मेयर द डिस्टेंस एस वन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर इमेज इज अपेयरिंग ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ लाइन, और मेयर द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर। तो बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे पास ये S1 है और ये S2 है, और इधर से अगर इसको हम कंसिडर करें तो S3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम लोगों ने ये S2 का नाम दे दिया, ये सेकेंड ऑर्डर इमेज हो गई, और इसी तरह जो है ये थर्ड ऑर्डर इमेज हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम जीरो इमेज टू द इमेज दैट वी आर कंसिडरिंग। ये करने के बाद जनाब हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक कंसीडरेशन करेंगे, थीटा वन इज इक्वल टू आर्क टेन एस वन ओवर टू एल, और इसी तरह एस टू ओवर टू एल करके हम लोग फाइंड कर लेंगे अपना थीटा। जब थीटा हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो मेयरिंग द विजिबल रेंज, विजिबल रेंज को मेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस द लेजर विद द इंसेंडेंसेंट लाइट। अ टिपिकल इंसेंडेंस लैम्प इमिट्स लाइट ऑल अक्रॉस द विजिबल स्पेक्ट्रम, व्हेन यू शाइन यूर लाइट थ्रू द डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग यू विल सी द विजिबल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग ये देखेंगे जो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर अपेयर हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि वो टू डिम होगा टू सी। तो क्या करेंगे, यूजिंग ओनली द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्रैक्शन इमेजेस फॉलो द प्रोसीजर फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन टू मेयर द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट रेड और शॉर्टेस्ट वायलेट। तो हमें वेवलेंथ का पता है कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है वो वायलेट की होती है। तो बार बार उसी एक्सपेरिमेंट को करके डिफरेंट रीडिंग्स लेकर हम लोगों इन दोनों लाइट्स की वेवलेंथ को फाइंड कर लेंगे, और रिजल्ट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट एंड रिपोर्ट द वेवलेंथ ऑफ द लेजर ऑब्टेंड फ्रॉम योर मेयरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमा लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। तो लैम्डा वन और लैम्डा टू को इस तरह फाइंड कर लिया हम लोगों ने एपरेटस सेट करके और फार्मूलाज को पुट करके। अब आप क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को, तो जो चीज़ आप लोग याद रखेंगे वो आप लोग याद रखेंगे फार्मूलाज के, लैम्डा क्या है, डी क्या है, एम क्या है, थीटा कैसे फाइंड करेंगे, और सारी चीज़ों को फाइंड करके अल्टीमेटली लैम्डा हम कैसे फाइंड करेंगे। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी थ्रू फार्मूलाज। और फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देख ली और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम लोगों ने देख ली है, और यहाँ पर एक आपके पास दिया हुआ कि जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द ग्रेटिंग स्पेसिंग, ये वन के ऊपर होगा। अच्छा, ये हमारा है पहला प्रैक्टिकल, इसके बाद हम सेकंड प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया, सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर हमने बेसिकली क्या देखना है, सेकंड प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग देख रहे थे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हम लोगों ने फाइंड करना था बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड। तो ज़रा इसके डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग देख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वही चीज़ें आएंगी कि इस टोटल एक्सपेरिमेंट में क्या होने जा रहा है, और जो पुरानी चीज़ें वो रिकॉल होगी। तो एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वर्क डन इन अ सर्किट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो कन्वर्ट हो सकती है हीट के अंदर। एंड कैलोमीट्री कैन बी यूज्ड टू मेयर दैट चेंज, और फिर उसको हम मेयर भी कर सकते हैं। अ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन वर्क डन एंड हीट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन विच यूटिलाइजेज अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करें, डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे हम लोग, और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले तो थ्योरी की तरफ चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, उसका फार्मूला देख लेते हैं विच इज़ V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और फिर उसके बाद वर्क और हीट के दरमियान रिलेशन देख लेते हैं विच इज़ W इज इक्वल टू JH। और ऑब्जेक्टिव जो है इस लैब का हमारा वो यही है कि इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, प्रोसीजर का पार्ट वन है, पार्ट वन की तरफ देखेंगे हम लोग। तो एन एम्प्टी कैलोरीमीटर कप विद मास्ट एंड देन फिल्ड अप 3/4 फुल ऑफ वाटर। तो वाटर को यूज़ करेंगे इसके अंदर, और वाटर को फिर हम कूल करेंगे अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो रूम टेम्परेचर, और फिर उसके बाद दोबारा से हम वाटर का जो है वो मास फाइंड कर लेंगे।
उसके बाद हीटिंग कॉइल असेंबली एंड टेम्परेचर सेंसर वर प्लेस्ड इन द कैलोरीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड. उसके अंदर हम लोग जो है सेंसर यूज़ करेंगे, टेम्परेचर सेंसर, और वो पुट करके इनिशियल टेम्परेचर जो है वो फाइंड कर लेंगे. और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये वाली फिगर, इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये कैसे किया है. एक हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया है, वोल्ट मीटर जो है बेसिकली वोल्ट्स को फाइंड करने के लिए होता है, हमेशा ये पैरेलल में लगाते हैं. एमीटर जो है वो करंट को फाइंड करने के लिए होता है, ये हमेशा सीरीज़ के अंदर यूज़ होता है. एक रेजिस्टेंस आप लोगों को नज़र आ रही है, और इंटरफेरेंस इंटरफेस बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, जहाँ से पावर मिल रही होगी एमीटर और वोल्ट मीटर को, और हैंड जनरेटर आपको नज़र आ रहा है. पार्ट टू देखेंगे हम लोग, इस फिगर टू को हम लोग देखेंगे. पार्ट टू के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, द वोल्टेज सेंसर्स वर कनेक्टेड टू द सोलर सेल डिपिक्टेड इन फिगर टू. तो बेसिकली अभी एक सोलर पैनल है, और सोलर पैनल के साथ हम लोगों ने लगा दिया है वोल्टेज सेंसर्स को. अच्छा, चैनल ए को हम लोग देखेंगे. चैनल ए आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, ये चैनल नज़र आ रहा होगा. तो हम लोग देख रहे हैं कि चैनल ए किस किस के साथ कनेक्टेड है. चैनल ए जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है अक्रॉस बोथ साइड्स ऑफ वेरिएबल रजिस्टर, और चैनल बी जो है वो हमारा कनेक्टेड है ओम रजिस्टर के साथ. ये दोनों इसलिए कनेक्टेड किए हैं कि ताकि वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर लें, और ओम रजिस्टर की हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लें. तो यहाँ से जनाब हम लोगों ने डायरेक्टली वैल्यूज़ को फाइंड किया. इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों ने देखा, फाइनल टेम्परेचर देखा, मैस को देखा. एल्यूमिनियम की बात हो रही थी और वाटर की बात हो रही थी, तो मैस एल्यूमिनियम को देखा, सिर्फ एल्यूमिनियम के मैस को देखा, और फिर मैस को देखा, एल्यूमिनियम विद वाटर को देखा, और फिर एनर्जी को हम लोगों ने देखा कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है. तो मेजरमेंट हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि सनी डे के अंदर क्या था और क्लाउडी डे के अंदर क्या था. सनी डे के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जब रेजिस्टेंस 1 थी तो हमारे पास पावर जो आई है वो वाटेज के अंदर आई है 0.000297, और इसी तरह जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते गए हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो किस तरह डिक्रीज होती गई है, और अल्टीमेटली 400 ओम पे हम देखने की 0.000176 हो गया. इसी तरह हम क्लाउडी डे के अंदर देखेंगे, क्लाउडी डे के अंदर रेजिस्टेंस 1 थी तो हमारे पास बहुत ही थोड़ी थी पावर की वैल्यू, 0.0000073 थी, और अब टू फिर 400 गए तो वो बिल्कुल ही जीरो हो गया, मतलब उस टाइम कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही थी. कैलकुलेशंस को देखेंगे, कैलकुलेशंस हमें पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा टी, और एम कैल सी कैल, ये हम एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू, ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम है और वाटर है, तो इनकी वैल्यूज़ को पुट किया हमने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.18 जूल के साथ. ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन लोगों को इसको आप देख लेंगे, और फिर एक एरर एनालिसिस है, इस एरर एनालिसिस को भी आप लोग पढ़ लेंगे. और यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ भी है जो रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान है. तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर कि जब रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो है तो पावर, या बिल्कुल शॉर्ट है तो पावर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं हमारी पावर जो है वो डिक्रीज होती जा रही है. और फॉर अ क्लाउडी डे हम लोग देखेंगे, फॉर अ क्लाउडी डे के, अच्छा इसके अंदर तो ये था कि हमारी जो पावर है वो बिल्कुल चलती ही जा रही है एक एक्सपोनेंशियल वे में, जबकि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये हुआ है कि पावर जो है शुरू में तो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया क्लाउडी डे के अंदर पावर कुछ हद तक तो कांस्टेंट रही, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही डिक्रीज होकर 400 पर अल्टीमेटली पावर ज़ीरो हो गई है, उसके बाद पावर जनरेट ही नहीं हुई. तो ये हमारे पास कंक्लूजन है. तो कंक्लूजन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इन अ क्लोज सिस्टम द एनर्जी इनपुट शुड बी इक्वल टू द हीट आउटपुट. तो पार्ट वन जो था ऑफ एक्सपेरिमेंट द डिटरमिन द एरर रेंज फॉर द हीट आउटपुट, ये वैल्यूज़ जो है हमारे पास आई थी. तो बेसिकली इसके अंदर अब आप लोग वैल्यूज़ को तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली तो कर नहीं रहे, हमारे पास रिजल्ट्स तो है नहीं, बट हमें ये ओवरऑल पता होना चाहिए कि मैकेनिकल जो हमारी एनर्जी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल. अब इसमें हमने बेसिकली क्या किया कि हमने एक सोलर पैनल की एग्जांपल ले ली थी, और उसके साथ हम लोगों ने पावर को मेजर किया और रेजिस्टेंस को मेजर किया. तो उसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि पावर जो है और हीट, रेजिस्टेंस जो है वो हीट को पैदा करता है, तो हीट और पावर के दरमियान हमने रिलेशनशिप को देखा है. तो इस टोटल एक्सपेरिमेंट में हमारा यही काम हुआ है.
और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल थर्मल ईएमएफ और टेम्परेचर डायग्राम को देखने के लिए, उसके लिए भी लिंक आपको दे दिया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है डायनामिक रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर मेयरिंग में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है इसमें हमारे मेन दो गोल हैं। फर्स्ट तो ये है कि बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर सेवरल मेथड ऑफ टेम्परेचर मेयरमेंट थर्मोमीटर और थर्मोकपल्स के बारे में बताया हुआ है, और दूसरा ये है कि डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ थर्मल सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है और थर्मोकपल्स हैं। इन थर्मोकपल्स को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, आप लोग इसको दोबारा देखेंगे डिटेल के अंदर, ये मज़ीद इसकी डिटेल है और आपको मज़ीद समझ आएगी। उसके बाद थर्मिस्टर्स का बताया गया कि बेटा थर्मिस्टर्स को आप लोग देखेंगे और फार्मूला भी उसका बता दिया गया, और थर्मिस्टर बिहेवियर भी बता दिया गया कि थर्मिस्टर बिहेवियर क्या होता है। थर्मिस्टर जो सर्किट है ये भी बता दिया गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली आप लोगों ने क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशंस तो आप लोगों ने याद रखनी है थर्मोकपल और थर्मिस्टर्स वगैरह की, इसके साथ साथ आप लोगों के जो ये सर्किट्स हैं इन सर्किट्स को भी आप लोग अच्छी तरह याद रखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, फार्मूलाज को पुट करके अल्टीमेटली हमने अपना डेल्टा वी फाइंड कर लिया। आउटपुट के ऊपर ये डेल्टा वी था, तो इस डेल्टा वी को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, अच्छा तो हमने यहाँ पर वोल्टेज लॉ लगाया है। वोल्टेज लॉ कैसे लगाएंगे हम लोग कि ओवरऑल जो हमारे पास ये पावर आ रही है विच इज डिवाइडेड बाय ई, तो इस एनर्जी और फिर इनटू, क्योंकि इस जगह पर हमने फाइंड करना है अक्रॉस इसके, तो हम लोग क्या देखेंगे आर टू ओवर टोटल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे आर टू प्लस आर थ्री, और फिर माइनस करने के बाद हम लोग देखेंगे आर टी को, ये आर टी है ठीक है। ये इस पोर्शन वाली बात हो गई, इस पोर्शन पे जो रेजिस्टेंसेज है, अब हम इस पोर्शन की रेजिस्टेंसेज की बात करेंगे और वोल्टेज है दरमियान में, तो यहाँ पर सिर्फ R1 और R2 है, तो माइनस हो जाएगा RT ओवर R1 प्लस RT, तो बेसिकली ये हमारे पास बन जाएगी। और इनको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली और अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे, आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। और ये फिर आगे सिंपली एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज को किया हुआ पुट किया, आसान सी है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगी। अब मैं क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं समझा सकता और ना समझाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों का इंतहाई बुरा बिहेवियर है डिस्कशंस को लेकर, डिस्कशंस आप लोग ले नहीं रहे, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ूँ ताकि डिस्कशन में आप मजबूरन मेरे पास आएँ और मुझसे चीज़ें पूछें। लेकिन आप लोग नहीं आ रहे तो फिर अब आपके एंड पर ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डाल रहा हूँ प्रैक्टिकल्स को लेकर, ताकि आप लोग ख़ुद इसको कवर करें और एक एक स्टेप को बैठ के पढ़ें। डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ थर्मल सिस्टम को आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर एपरेटस हमारे पास गिवन है, और एपरेटस के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। प्रोसीजर के अंदर हमने सबसे पहले बताया कि आउटपुट की वो जो ऊपर हमने देखी है थर्मोकपल और थर्मिस्टर्स वगैरह को आप लोगों ने कैसे करना है, और फिर टाइम रिस्पॉन्स मेजरमेंट हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ आ जाती हैं। वैल्यूज़ तो हमने फाइंड ही करनी, तो बेसिकली आप लोगों को प्रोसीजर का पता होना चाहिए, तो इतना ही काफ़ी है। प्रोसीजर का पता हो जाएगा, फार्मूलाज का पता चल जाएगा, तो इतना काफ़ी रहेगा। तो ये हमारे सिर्फ तीन एक्सपेरिमेंट्स थे आज के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम तीन एक्सपेरिमेंट्स और कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा इंशाल्लाह थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद डिस्कशन सेशन शुरू करेंगे। इसके साथ साथ आपकी मिड की इवेल्यूशन के लिए एक असाइनमेंट मैंने मैनेजमेंट को दे दिया जो आपको मिल जाएगी, तो आपकी जो इवेल्यूशन है मिड की वो बेस करेगी एक असाइनमेंट के ऊपर, और फिर असाइनमेंट के मार्क्स तो ऑफकोर्स मैंने ही लगाने होंगे, तो फिर इंशाल्लाह डिस्कशन के अंदर उस चीज़ को मज़ीद भी देख लेंगे। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।